नमस्कार, बीएन भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सुरूर। पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लिए है निर्णय। सीएम ने सभी लोगों से इसका अनुपालन करने की अपील की। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान रहेगी कई पाबंदियां। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित है। देवघर शहर के पर्यटक स्थलों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। किसी भी तरह का भीड़ नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए। दोनों शीर्ष अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। मराठी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता किशोर नादलसकर का आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे पिछले 2 हफ्तों से ठाणे के कोविड सेंटर में भर्ती थे। उन्होंने फिल्म इना मीना ढीका से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। बिहार में सोमवार को कोरोना में 74 लोगों की मौत हो गई है। पटना के 4 बड़े अस्पतालों में 19 लोगों की मौत हुई। NMCH में 8, PMCH में 6, एम्स में 3 और IGMS में 2 मरीजों की मौत हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BNN भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.